गोपीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कल नरसिंह जयंती है तो उसके लिए एक पूजा विधान आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इस मंत्र को करने से सर्वरक्षा की प्राप्ति होती है। जब सर्वरक्षा की बात आती है तो वो आध्यात्म और आपका धन धान्य वाला जीवन और आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो तीनों में सुरक्षा देता है। नरसिंह देव का प्रादुर्भाव या जहाँ पर वो प्रकट हुए थे वो हिमालय से सटा हुआ एक बिहार का क्षेत्र है। आज भी वहाँ पर वो शिला पड़ी हुई है जिसको फाड़ के नरसिंह भगवान ने अवतरण लिया था। नरसिंह देव को ऐसे उग्र देव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इनका चमत्कार देख रखा है। बहुत ही चमत्कारी तरीके से मुझे नरसिंह देव का धन मंत्र मिला था और जिस स्रोत से मिला था वहाँ जब मैंने पता किया तो वैसा मंत्र देने वाला वहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं था। तो आविष्कारी देवता है, बड़े चमत्कारी देवता है। तो इनकी विद्या कल जो आप इनकी पूजा करेंगे उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। नरसिंह देव के पूजा में जो सामान लगता है वो है इनकी इनका एक चित्र, क्योंकि यंत्र नहीं बनता है, ठीक है। एक नारियल जटा वाला, 5 सुपारी, रौली और हल्दी, ये इनको चढ़ाया जाता है। लौंग इलायची इनको चढ़ाया जाता है। धूप, दीपक, और जो दीपक रहेगा वो घी का रहेगा। पंचगव्य बना करके, पंचामृत बना के इनको चढ़ाएंगे, दूध घी दही शक्कर सब मिला के। उसके बाद जो भोजन होता है बना हुआ वो भोजन रखेंगे इनके पास। उसमें लहसुन प्याज या ऐसा कोई भी सब्जी नहीं डालेंगे जो कि पृथ्वी के अंदर होता हो। जो भी सब्जी इनको आप देंगे वो पृथ्वी के ऊपर वाला होगा, ठीक है। समुद्री नमक नहीं दे सकते आप उसमें। थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाएंगे, ठीक है। वस्त्र में इनको लाल, पीला, हरा या काला या फिर चारों आधा आधा मीटर चढ़ाया जाता है, ठीक है। एक पीली धोती, ठीक, अगर संभव है तो एक लोहे का चिमटा इनको चढ़ाया जाता है। इतना करने के बाद, ऐसे तो और बहुत सारी चीजें हैं जो चढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इतना चढ़ाने के बाद, धूप दीप जलाने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, तो कम्बल का आसन रखिएगा, रुद्राक्ष का माला रखिएगा, रुद्राक्ष नहीं तो लाल चंदन चलेगा। दिशा पूर्व या पश्चिम होगा, स्थान आपके घर का मंदिर होगा, ठीक है। और इस साधना की सबसे खासियत यह है कि आप इसको चाहे तो बिल्कुल सुबह करेंगे या फिर रात्रि 9:30 बजे के बाद होगा। आप सबसे पहले पंच पूजा करके खुद तिलक लगाएंगे, चाहे तो वो अष्टगंध का तिलक हो या लाल रोली का हो, और वस्त्र आप पीला या लाल दोनों धारण कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद नरसिंह देव का आवाहन करेंगे आप एक पुष्प रख कर या फिर एक पान रख करके, और उनको आप बुलाएंगे कि नरसिंह देव यहाँ पर आप विराजिए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। ऐसे तो संस्कृत में इसका पूरा श्लोक है, लेकिन ऐसे करने से भी होता है। उसके बाद आप खुद को पवित्र करिएगा ओम अपवित्र पवित्र वा मंत्र से। गणेश का ध्यान करिएगा, मंत्र वही ओम गणनान्त्वः गणपति गुम हवामहे या फिर ओम वक्रतुंडाय हुम फट, इससे करिए, ठीक है। जो आपने पान रखा है उस पर नरसिंह देव को पुष्प रूप में बैठाइए और उसके बाद पहले जल दीजिए, ओम स्नानम जलम समर्पयामि श्री नरसिंहाय नमः। फिर एक पुष्प चढ़ाइए, ओम पुष्पम समर्पयामि श्री नरसिंहाय नमः। फिर चंदन दीजिए वहाँ पे, ओम चंदनम समर्पयामि श्री नरसिंहाय नमः। फिर धूप दीजिए, ओम सुगंधित गंध समर्पयामि श्री नरसिंहाय नमः। फिर दीपक दिखाइए नरसिंह देव के तस्वीर को। ऐसे भी जो ये पान का पत्ता आप नीचे रखिएगा ये बिल्कुल उनके पैर से सटा हुआ रहेगा, तो वहाँ पर फिर दीप दिखाइए, ओम प्रज्वलतम दीपम समर्पयामि श्री नरसिंहाय नमः। और अंत में नवेद पर हाथ रखिएगा अपना दाहिना, और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को छुइएगा और बोलिएगा, ओम नवेद्यम समर्पयामि श्री नरसिंहाय नमः। इतना करने के बाद आप अपने गुरु का ध्यान करिएगा। गुरु का कोई भी मंत्र जो आपका आता हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, या जो भी आपको आता है, ठीक है। इसके बाद नरसिंह देव को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने का मंत्र
मैंने ऐसे तो आप लोग को बहुत बार बताया है, लेकिन फिर भी पहले नरसिंह गायत्री बोलेंगे हाथ जोड़ करके। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। ठीक है, उसके बाद जो नरसिंह भगवान का मूल मंत्र है, एक तो अघोर का मैंने बताया है, ये सात्विक मंत्र है। ओम श्री उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतोमुखाम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामिहम छौम ओम। इसमें और जो पहले आप लोगों को मंत्र दिया नरसिंह में, उसमें श्री का अंतर है, ओम श्री हम शुरू में नहीं जोड़ते और छौम ओम हम अंत में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इतना कर लेंगे, उसके बाद जो मूल मंत्र है उसका जाप करेंगे। ये महामंत्र है जो 108 बार आप लोग जपेंगे। महामंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम सुदर्शन महाचक्र शांत दुष्ट भयंकर छिंदी छिंदी निंदी निंदी विदारे विदारे परम चाथन ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूता त्राशय त्राशय हुम फट सुदर्शनायाम नमः। बस इतना ही मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र को 108 बार जाप करेंगे। जिनको पूर्ण सिद्धि करनी है वो 1000 बार गिनेंगे, फिर 1008 या फिर माला के हिसाब से नहीं होगा, 1000 बार जपेंगे। इसको तांत्रिक रूप में सिद्ध करना है तो जो दो बीज मैंने बताया वो दोनों हटा देना शुरू और अंत से, और रात में दक्षिण दिशा की तरफ बैठना, 3 अगरबत्ती और सरसों का दिया जला करके, और फिर इस पूरे विधान को करना, तो जो पंच पूजा का सामान है वो बदल जाएगा और दिशा बदल जाएगा। उसमें भी आप कम्बल का काला आसन रख सकते हो, वस्त्र उसमें कुछ भी होगा, अगर आप तांत्रिक की विधि से इस पूजा को करते हो। देखो, नरसिंह भगवान का बहुत मंत्र है, जैसे पाताल नरसिंह का मंत्र है, जैसे ओम छौम नरसिंहम उग्र रूप ज्वलय ज्वलय प्रज्वलय प्रज्वलय स्वाहा। तो ये मंत्र जब आपको डर लगे, जब आपको लगे कि आपके आसपास कोई शक्ति विराज रही है, उस समय कर सकते हैं। या फिर जो उग्रवीरम मंत्र है, उग्रवीरम मंत्र को अगर 7 बार किया जाए, ठीक है, 7 बार करके जो भी जिस पे भी लग रहा है कि शक्ति आ रही है उसके ऊपर सिर्फ फूंक दिया जाए तो वो मंत्र काम करता है किसी भी झाड़ फूंक से बेहतर, किसी भी शक्तिबंध को हटाने के विधान से बेहतर काम करता है। लेकिन अभी जो आपको मैंने मंत्र दिया, ओम सुदर्शन महाचक्र शांत दुष्ट भयंकरम छिंदी छिंदी निंदी निंदी विदारय विदारय परम चाथन ग्रस ग्रस भक्ष भक्ष भूत रस्त्र सहे त्रासहे हुम फट सुदर्शनायाम नमः, ये महामंत्र कहलाया है। मतलब ये सब मंत्रों में ऊपर है नरसिंह का। इस मंत्र को रोज 108 बार करेंगे तो लक्ष्मी नरसिंह रूप में भी नरसिंह आपके साथ विराजेंगे, उग्र नरसिंह के रूप में भी आपके साथ विराजेंगे, और पाताल नरसिंह के रूप में भी विराजेंगे। मतलब एक ही बार सब काम होता है। देखो, नरसिंह का 10 अवतार है, ठीक है, 10 अवतार नरसिंह बोलते हैं, और सबका मंत्र और पूजा विधान अलग है। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को पाताल नरसिंह का मंत्र बताया, तो पाताल नरसिंह का अगर मंत्र वो एक लाइन का सिद्ध करना है तो उसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष के अलावा मैंने लाल चंदन का माला बोला इस विधान में, लेकिन पाताल नरसिंह का जब आप साधना करोगे तो उसमें हल्दी की माला चलती है, ठीक है, और उसमें वस्त्र पीला ही चलता है, उसमें आसन पीला ही चलेगा और उसमें तिलक भी पीला ही चलेगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। 3-4 विधान मैंने तुम लोगों को बताया है, इन सबको करो। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। जिनको अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.aghortantrahasya.xyz। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर प्ले स्टोर से, उसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नरसिंह भगवान आप लोगों की रक्षा करें, आप लोगों को धनाढ्य बनाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।